क्लास 11 एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1। देखो cos x का वैल्यू दिया है -1/2 और x जो है वो तृतीय चतुर्थांश में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है। जब थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो इसका जो रेंज है यहां पे दिखा दिए, ये वैल्यू जो है वो 0 से आके थर्ड क्वाड्रेंट में रोटेशन इसका लाई करेगा। अब cos x नेगेटिव है, आपको मालूम है तीसरे क्वाड्रेंट में साइन और cos दोनों नेगेटिव होते हैं। अब cos की वैल्यू की सहायता से हम लोग साइन की वैल्यू निकालेंगे, तो साइन स्क्वायर और cos स्क्वायर 1 होगा, तो साइन x की वैल्यू आएगी, दोनों लिखेंगे आप, प्लस माइनस रूट ओवर 1 माइनस स्क्वायर ऑफ cos x। अब यहां पे रीजन देंगे, सिंस चूंकि x जो है वो तीसरे चतुर्थांश में है, तो तीसरे चतुर्थांश में साइन जो है वो ऋणात्मक होगा, तो साइन का इसमें से प्लस माइनस में से माइनस वैल्यू लेंगे, तो 1 माइनस और cos की वैल्यू का स्क्वायर 1/4 आएगा, तो ये आ गया माइनस रूट ऑफ 3/4, दैट इज माइनस रूट 3/2। अब tan x का वैल्यू साइन अपॉन cos, साइन और cos दोनों निगेटिव है और आपको मालूम है कि तीसरे चतुर्थांश में tan जो है वो पॉजिटिव होता है, तो ये डिवाइड करेंगे तो रूट 3 आएगा और cot जो है वो tan का व्युत्क्रम है, तो ये आ जाएगा 1/√3। sec जो है वो cos का व्युत्क्रम है, तो cos जो है -1/2 है, तो sec x का वैल्यू -2 होगा और sin x का वैल्यू √3/2 है, तो cosec x जो है वो sin का व्युत्क्रम है, 1/sin x होगा, तो -2/√3। दैट्स ऑल।